नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं प्राइम डिबेट। चुनाव से पहले विकास के लाख दावे किए जाते हैं, चुनाव के बाद विपक्ष सत्ता पक्ष को उसकी नाकामियों को लेकर घेरता है तो सत्ता पक्ष विपक्ष को कोसता है। लेकिन इस बार दोनों ही पक्ष विकास का फॉर्मूला छोड़ जातीय समीकरण साधने में जुट गए हैं। खासतौर से बीजेपी, सपा और बसपा एक दूसरे के कोर वोट बैंक पर नजर गड़ाए बैठी हुई है। बसपा को ब्राह्मण वोट चाहिए तो सपा को ब्राह्मणों के साथ अति पिछड़ा का भी वोट चाहिए। बीजेपी भी अपने स्वर्ण वोट के साथ दलित और पिछड़ा वोट बैंक पर निगाह बनाए हुए है। 2022 के लिए सभी राजनीतिक दल एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं, लेकिन इस बार उनकी कसरत जातीय समीकरण साधने की है कि किस तरह से कुछ खास वर्गों को बड़ा वोट बैंक पक्ष में आ जाए जिससे चुनाव में नया पार लग जाए, क्योंकि राजनीतिक दलों को ये चुनावी डगर कुछ कठिन नजर आ रही है। तो आज बड़ी डिबेट इसी पर होगी कि क्या जातीय समीकरण बैठाने से और अपने जो कोर वोट बैंक है उसको छोड़कर दूसरों में सेंध लगाने से ही होगी नया पार, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट।2022 के चुनाव से पहले राजनीतिक दलों ने अभी से जातियों को अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर दिया है। ब्राह्मण वोट बैंक पर तो सभी दल नजर गड़ाए बैठे हैं, खास तौर से बहुजन समाज पार्टी। वहीं अब यूपी में ओवैसी की एंट्री के बाद मुस्लिम वोट को खिसकता देख अखिलेश यादव की नजर अब अति पिछड़े वर्ग के वोट बैंक पर जा टिकी है। समाजवादी पार्टी ने पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों को लामबद्ध करने की नई रणनीति बनाई है। इसके तहत प्रदेश को चार हिस्सों में बांटकर अभियान शुरू किया गया है। इसकी कमान पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष और MLC डॉक्टर राजपाल कश्यप ने संभाली है। वो विधानसभा क्षेत्रवार कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं, साथ ही वो अति पिछड़ा वर्ग के कार्यकर्ता के घर भी जा रहे हैं। अभियान के जरिए जातीय गोलबंदी के साथ संबंधित विधानसभा क्षेत्र के सियासी समीकरण की थाह भी ली जा रही है। इसकी शुरुआत पूर्वांचल से हुई है। सपा पिछड़ी जातियों को अपना आधार वोट बैंक मानती है, लेकिन विपक्षी दल यादव मुस्लिम को छोड़ अन्य जातियों में किसी न किसी रूप में सेंधमारी करने में सफल होते रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि विधानसभा व लोकसभा चुनाव में हार के बाद हुई समीक्षा में ये बात सामने आई कि अति पिछड़े वर्ग का वोट बैंक पार्टी के हिस्से में नहीं आ पाया था। ऐसे में चुनावी समर शुरू होने से पहले ही इस बार इन जातियों की गोलबंदी शुरू हो गई है। बता दें कि बहुजन समाज पार्टी महासचिव सतीश चंद्र मिश्र के नेतृत्व में ब्राह्मण सम्मेलन शुरू कर चुकी है, जिसका नाम प्रबुद्ध वर्ग संवाद सुरक्षा सम्मान विचार गोष्ठी रखा गया है। इस अभियान के तहत बसपा अपना 2007 का समय वापस लाना चाहती है, तो वहीं बीजेपी जिसका कोर वोटर सवर्ण और खास तौर से ब्राह्मण है, वो भी लगातार सवर्ण वोटों को अपने से दूर जाने नहीं देना चाहती है। अब सपा जो पहले से ही भगवान परशुराम के जरिए ब्राह्मणों का वोट पाने के लिए तड़प रही थी और मुस्लिम और पिछड़ा वर्ग का समर्थन तो समाजवादी पार्टी को पिछले हर चुनाव में मिलता ही रहा, लेकिन अब समाजवादी पार्टी ने अन्य पिछड़ा वर्ग के वोट बैंक पर नजर गड़ा दी है। सबसे बड़ी बात यह है कि अति पिछड़ा वर्ग के वोट बैंक पर पहले से कुछ खिलाड़ी नजर गड़ाए बैठे हैं, जिसमें निषाद पार्टी से लेकर ओम प्रकाश राजभर तक शामिल हैं। अब चुनावी मैदान में आम आदमी पार्टी भी कूद गई है, इसलिए इस बार यह सियासी दंगल पहले जितना आसान नजर नहीं आ रहा है। अजय सिन्हा की रिपोर्ट प्राइम टीवी। तो जिस तरह से सपा से गैर यादव पिछड़ा वर्ग दो चुनावों से
कहीं ना कहीं पीछे खिसका है और भाजपा की ओर गया है, तो अब ब्राह्मण वोटर के साथ साथ उनको भी लुभाने की कोशिश जो है उसकी कवायद शुरू हो गई है। तो इस पर बड़ी चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद है सपा से विवेक पांडे, बीजेपी से केसी जैन जी, साथ ही साथ हमारे साथ सुभाषपा से कुंवर अजय सिंह जी मौजूद है और राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ दिलीप यशवर्धन जी मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले विवेक जी आप पर आना चाहूंगी, क्योंकि गैर यादव पिछड़ा वर्ग लगातार दो चुनावों से देखने को मिल रहा है कि नाराजगी साफ तौर पर नजर आ रही है और बीजेपी के साथ वो चले गए हैं, तो कहीं ना कहीं उनको साधने की कोशिश ब्राह्मण के साथ अब की जा रही है। पूरे मंच को कीर्ति जी बहुत ही सरिदा धन्यवाद देता हूं। और पिछड़ा वर्ग या किसी वर्ग की बात अगर आती है तो समाजवादी पार्टी का एजेंडा देखिए, शुरू से समाजवाद का मतलब यह है सभी जातियों को, सभी की सहभागिता को दर्ज कराते हुए इस प्रदेश का और समाज के उत्थान के विकास की रूपरेखा का और प्रारूप का निर्माण करना। आप मुझे एक बात बताइए, हम पिछड़ा वर्ग के लिए अगर कुछ करने जाते हैं तो आरोप लगने शुरू हो जाते हैं, ब्राह्मणों के लिए कुछ करने जाते हैं तो आरोप लगने शुरू हो जाते हैं। मतलब एक राजनीतिक दल होने के नाते ये तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है ना कि हम सभी जिम्मेदारी से सभी दल, सभी वर्गों और सभी जातियों के लोगों को साथ में लेकर के चले। और अगर हम किसी को मंच देते हैं, अगर हम किसी को लाते हैं इस राजनीतिक रूपरेखा से जोड़ने का प्रयास करते हैं तो विपक्ष आरोप लगाना शुरू करता है कि हम उसको साधने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, चलिए ठीक है समाजवादी पार्टी पे तो आरोप लगते रहते हैं, हमें आरोपों से कोई डर नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार, केसी जैन जी तो बैठेंगे, उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार क्या राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग पे कोई कार्यवाही अभी तक कर पाई या नहीं कर पाई? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की जो रिपोर्ट थी जिसमें 5,844 सीटों पे बाकायदा पिछड़े वर्ग के बच्चों के साथ नाइंसाफी हुई है, उस रिपोर्ट को तो शायद इनके जो बहुत ही टैलेंटेड मुख्यमंत्री हैं वो झुठला चुके हैं कि कोई इसमें धांधली नहीं हुई है। तो आप मुझे तो ये समझाएं, और मैं तो राष्ट्रीय पटल पे इस बात को उठाना चाहता हूँ। बिल्कुल जवाब ले लेंगे केसी जैन जी से, लेकिन ये जो गैर यादव को साधने के लिए चरणबद्ध तरीके से आप लोग अब तो क्षेत्र भी बांट रहे हैं और उसमें लगातार आपकी कवायद कीर्ति जी मैं आपको एक आपका तमाम वर्गों को साथ लिया जाए, तो प्रश्न ये नहीं उठ रहा है कि आप किसको साधने की कोशिश करें किसको नहीं, लेकिन जातीय समीकरण जो बैठा रहे हैं वो किस हद तक कारगर साबित होगी आपकी पार्टी के लिए, ये अहम हो जाता है। दो दिन से एक खबर चल रही है, मैं निवेदन करूंगा आज विशेष रूप से दिलीप भैया से कि दिलीप भैया थोड़ा आपके संज्ञान में हो तो कृपया इस खबर पे भी आप प्रकाश डालिएगा। हम तो सुन रहे हैं कि इस देश की सर्वोच्च संवैधानिक संस्था सुप्रीम कोर्ट को चार खंडों में विभाजित करके इस देश को ही चार खंड में विभाजित करने का एक बिल लाया गया है, और वो बिल पूरी तरह से सोशल मीडिया पे नहीं, बड़े बड़े अधिवक्ताओं, उत्तर प्रदेश नहीं नेशनल बार काउंसिल के मेंबर्स तक ने पोस्ट करके बाकायदा उस पर अपनी राय मांगी है। तो ये तो पूरे देश का विभाजन करने के प्रयास में है, और इस बिल की मुझे नहीं लगता कि कहीं चर्चा है या आपके भी संज्ञान में नहीं होगा। बड़ी जिम्मेदारी से मैं बता रहा हूं, दिलीप भैया का नाम मैंने इसलिए लिया कि वो संवैधानिक मामलों के जानकार हैं, हमारे सीनियर भी हैं भाई, जिस प्रारूप से मैं आता हूं उसके हिसाब से मेरे सीनियर ही हुए। तो मैं तो चाहूंगा कि भैया इस पे भी आप अपना ध्यान आकर्षण करिएगा। और ये बात तो मैं पूछना चाहता हूं कि बांटने का काम कौन कर रहा है भाई? जो टुकड़े टुकड़े गैंग थी, अगर एक सर्वोच्च संवैधानिक संस्था इस देश की जो कि न्याय देने का अधिकार रखती है, जहां पे कि पीड़ित शोषित जाकर के न्याय की मांग करता है, सरकार तो उसी के चार खंडपीठ पर बनाने की मांग बनाने की योजना बना रही है, और इस बात की कहीं चर्चा भी नहीं है, ना मीडिया में, ना सरकार में, ना किसी जैन जी ने कभी किसी वक्तव्य में कहा होगा। तो सबसे पहले तो मुझे लगता है मुद्दों पे बात कर लीजिए, कौन बांट रहा है? हम तो नहीं बांट रहे, हम तो जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेके आ रहे हैं ना जी, आप तो वो तमाम जातियों को साथ में लेकर चलने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल करेंगे, हम अखंड राष्ट्रवाद की बात करते, देखिए भारत का प्रेम बल आप पढ़िएगा, धर्मनिरपेक्षता वो ठीक है, वो शब्द कब आया, लेकिन जो आ गया हमें उसको निभाना है, हम उस संविधान के दायरे के ऊपर नहीं जा सकते। और सबसे अच्छी बात है इस कदम का तो स्वागत करना चाहिए राजनीतिक दलों को कि समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी का विजन जो है वो हर जाति हर धर्म के लोगों को जोड़ करके इस प्रदेश के विकास की रूपरेखा का निर्माण करना है। लेकिन पिछले दो चुनावों से आपसे यही तो मैं सवाल कर रही हूँ कि गैर दलित जो पिछड़ा वर्ग है वो कहीं ना कहीं आपसे हटा है, तो कुछ कमियां तो रही होंगी जिसके चलते वो आपसे दूर हटे? नहीं देखिये, ये वक्तव्य तो कोई गैर दलित अगर कोई बड़ा नेता आकर के कहता कि समाजवादी पार्टी ने उसे पीड़ित किया तो मैं सुन भी लेता, मान भी लेता। और रही बात विपक्ष के आरोप, तो भाई आरोप तो इनका ये भी है कि ब्राह्मण इनके साथ नहीं जा रहा है, सुन लीजिए, ब्राह्मण इनके साथ नहीं जा रहा है, ब्राह्मण के ऊपर हुए क्रूरतम अत्याचार की जो गाथा इस सरकार में लिखी गई, ब्राह्मणों के शस्त्र लाइसेंस जिस तरह गिनवा रहे थे योगी जी, उससे योगी जी की संकीर्ण मानसिकता का परिचय उन्होंने स्वयं दिया है, उसमें ब्राह्मण दलित। आप मुझे बस एक बात बताइए,
अगर ये सरकार दलितों की या ब्राह्मणों की इतनी शुभचिंतक है, जो कि आज इस सरकार के लिए सबसे बड़ा एजेंडा बन गया है कि दूसरे दल साध रहे हैं, दूसरे दल साधते नहीं है कीर्ति जी, जब कोई कहीं पीड़ित होता है ना तो वो स्वयं अपवाद और विकल्प की तलाश करता है। आप मुझे एक बात बताइएगा, चलिए मैं भी ये सवाल भी पूछ ही लेता हूं आपके माध्यम से, पूछता हूं केसी जैन जी से, आप बुलडोजर चलवाते हैं लेकिन आप अपने पदाधिकारियों के अवैध कब्जों पे बुलडोजर कब चलवाएंगे? अगर योगी जी मंच से सुन रहे हो इस बात को तो मैं तो सीधे कह रहा हूं, आपके अपने भाजपा के जो पदाधिकारी अवैध कब्जा अवैध निर्माण करके बैठे हैं दूसरों की प्रॉपर्टी पे, दूसरों की संपत्तियों पे, क्या आज तक एक भाजपा के किसी पदाधिकारी पे इस सरकार के कार्यकाल में बुलडोजर चला? चलिए आप जवाब दे दीजिए, आंकड़ों के साथ बताइए, मैं भी आपको देता हूं तथ्य। केसी जैन जी से हम उत्तर ले लेते हैं इस बात का भी। केसी जैन जी, आपका क्या कहना है? साथ ही साथ जो गैर यादव वोट आपके खेमे में आया था, अति पिछड़ा जाति ने जो आपको सपोर्ट दिया था पिछले दो चुनावों में, उसको लेकर भी वो कह रहे हैं कि वो परेशान है आपकी पार्टी में, ब्राह्मण तो थे या वो भी परेशान है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के आयोग पे पहले बता दें, उन बच्चों को न्याय मिलेगा? मैं काफी देर से सुन रहा हूँ विवेक जी को, इन्होंने जो जाति और धर्म की राजनीति की जो परिभाषा इतनी देर में बताई वो कहीं से भी पल्ले नहीं पड़ सकती। देखिए, सरकारों का ये काम होता है कि बिना किसी भेदभाव के सबको बराबर का अवसर दिया जाए और सबके लिए बराबर से काम किया जाए। उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने संविधान के अनुरूप इन्हीं चीजों को ध्यान में रख करके हर जाति हर धर्म हर वर्ग को बराबर से मौका दिया और उन सबके लिए काम किया। अगर ये कोविड वैक्सीन है तो ये सबके लिए, लगभग 40 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है। अगर हम 2000 रुपए अकाउंट पे भेज रहे हैं किसानों के, तो बिना किसी जाति और धर्म को देखे, जो ब्राह्मण है क्षत्रिय है वर्मा है यादव है मुस्लिम है, बिना कुछ देखे उसके लिए वो हम भी करते इस तरीके की योजनाओं को लागू किया जाए, नहीं बदल जाता। देखिए, हल्ला मत बचाइए। एक तो पहली बात तो यह है कि ये तरीका ठीक नहीं है, आप इंटरप्ट बहुत करते हैं। 15 मिनट से आप बोल रहे हैं, उसके बाद में भी अगर आपकी इच्छा ना भरी हो तो आप बोलिए। तब मैं प्रेरित हुआ हूं, परसों की डिबेट देखी थी, ठीक, कितने अच्छे वक्तव्य दे रहे थे, उसी से प्रेरित होकर आया हूं। जवाब ले लेते हैं, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग की रिपोर्ट पर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट की जो बात कर रहे हैं विवेक जी, तो समाजवादी पार्टी अपनी सरकार में केवल और केवल जहाँ करीब 20 से 25 जो कि ओबीसी वर्ग में आती हैं, उनमें से केवल और केवल एक जाति यादव जाति इनको दिखाई देती रही, और सिर्फ चाहे पुलिस भर्ती हो चाहे अन्य भर्तियां रही हो, केवल और केवल यादव वर्ग की भर्तियां दिखाई दी। रही बात पिछड़ा वर्ग आयोग की, देखिए शोर शराबा ना करें, इनको पहले चुप करें। मैं तो बोल रहा हूँ, आप भ्रामित तत्व नहीं, हल्ला हल्ला बोल मत करिए। देखिए विवेक जी, ऐसे चल नहीं पाएगा, कहीं कुछ नहीं, आपको बहुत आपत्ति हो तो मैं लॉग आउट हो जाऊँ, वो आपकी कॉल है। नहीं विवेक जी, देखिए आपको बहुत आपत्ति हो, देखिए जवाब जवाब मैं क्या दे रहा हूँ, आप साथ बोलिए 5 मिनट के लिए, आपको बहुत आपत्ति हो तो मैं लॉग आउट हो जाऊँ, आप भाषण दीजिए। केसी जैन जी बोलिए, जवाब दीजिए। आपको लगता है आप बहुत विद्वान है, बाकी पूरे जो 22 करोड़ आबादी है सब बेवकूफ है, क्यों नहीं आप विद्वान बैठे हैं तो आप बोलिए। वर्ग आयोग की रिपोर्ट पर जवाब दीजिए। मैं बता रहा हूँ, बहुत चीजें बता रहा हूँ। देखिए, पिछड़ा वर्ग आयोग की जो रिपोर्ट, पिछड़ा वर्ग आयोग ने जो उत्तर प्रदेश सरकार से रिपोर्ट मांगी, उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे डाटा के साथ पिछड़ा वर्ग आयोग को पूरी अपनी रिपोर्ट सौंप दी। जो 65,000 भर्तियां में से केवल 22,000 लोगों को जनरल कैटेगरी के जो है नौकरी मिली है, और बाकी 65,000 ओबीसी और एससी लोगों को सारी की सारी नौकरियां उसमें से मिली है। तो क्या 22,000 लोगों को भी जनरल कोटे के जो है उनको भी नौकरी नहीं मिलनी चाहिए? प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं सरकार की ओर, ये भर्तियों को लेकर वो गलत तरीके से रिपोर्ट आने के बाद कीर्ति जी, वो रिपोर्ट सरकार ने केंद्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को सौंप दी है, उसके बाद में उसपे कोई आपत्ति केंद्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने नहीं की है। केंद्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने जिलों से रिपोर्ट मांग करके जो डाटा प्रस्तुत किया, एक एक प्रश्न का क्रमवार जवाब देते हुए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को उत्तर प्रदेश सरकार ने जवाब दे दिया है कि कहाँ पे कितनी भर्तियां हुई है और कहीं पे कोई घोटाला नहीं है, ये केवल और क्या पैदा की जा रही है। ठीक है, दूसरी बात जिस पे आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं ब्राह्मणों को कहीं ना कहीं
जो अन्य जातियां हैं उनको अब संजय निषाद अलग अलग लोगों को साध रहे हैं, राजभर जी अलग जातियों को साध रहे हैं, ये सब लोग आकर के एक ग्रुप बना रहे हैं, गैंग बना रहे हैं कि हम इतनी जातियां मिल करके इस तरीके से गठबंधन बना लेंगे। लेकिन जब इसी समाजवादी पार्टी ने पिछली बार बीएसपी के साथ गठबंधन किया और कहा कि हम तो फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं, लेकिन क्या हुआ? इसी तरीके से कांग्रेस से आप गठबंधन किया, क्या हुआ? और जब बीएसपी से गठबंधन किया इन्होंने, डिंपल जी स्वयं हार गई, डिंपल जी स्वयं हार गई, अक्षय यादव स्वयं हार गए, इनके परिवार के पांच की पांच सीटें जो होती थी उनमें से चार लोग हार गए, धर्मेंद्र यादव जी स्वयं हार गए। देखिए जाति गठबंधन का समय, संजय निषाद जाकर किसी और पार्टी के साथ मिल जाए आपको चलेगा? नहीं नहीं कीर्ति जी, देखिए जाति गठबंधन का जो समय है वो समाप्त हो चुका है। आज जनता विकास चाहती है, डेवलपमेंट चाहती है, डेवलपमेंट करेगी, विकास करेगी, जनता का काम करेगी, लोकतंत्र को मेंटेन रखेगी। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद से जो लोग परेशान थे और जिस प्रकार से उनके ऊपर कार्रवाई हुई, अगर जो पार्टी इस तरीके से कार्रवाई करेगी उसको जनता द्वारा वर्तमान समय में आपकी सरकार का हिस्सा है। एक बार पहले मैं सबसे कमेंट ले लूं, उसके बाद आप इंटरप्ट करिएगा। केसी जैन जी, देखिए आप जनता, आपके कुछ ही महीने बचे हैं आगामी चुनाव को लेकर, आपने विकास के कार्य जो किए होंगे उस पर ही मोहर लग गई है और उसी पर अब जनता डिसाइड करेगी कि आपने क्या किया क्या नहीं। खैर मैं आऊंगी आप पर फिर से, अजय जी ठीक है मैं आऊंगी आप। देखिए अभी जिला पंचायत चुनाव में, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में, जिला अध्यक्ष के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने भारी जीत हासिल की। बिल्कुल कैसे? और ये लोग कह रहे हैं लोगों को प्रत्याशी ढूंढने नहीं मिल रहे थे, ये क्या है? ये जनता का जनादेश नहीं और क्या है? और इसका सम्मान करने के बजाय पक्ष ये कह रहा है कि आपने धांधली कर ली। अरे धांधली कर ली तो समाजवादी पार्टी के कई जगहों पे जिला अध्यक्ष और कई जगहों पे 2022 के चुनाव को कि कहीं ना कहीं कैसे जीते वो लोग फिर? ठीक बिल्कुल बिल्कुल केसी जैन जी मैं आप पर आऊंगी। अजय जी आपको क्या लगता है, जिस तरह से पिछड़ा वर्ग को साधने की कोशिश सपा द्वारा की जा रही है, आपका वोट बैंक भी कहीं छटे ना, ऐसी कुछ लग तो नहीं रहा है? कीर्ति जी सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा जी कि प्रदेश की योगी सरकार तानाशाही के साथ साथ अब डफोर शंख बन चुकी है। जैसे हम लोग कहानी कथाओं में सुना करते थे कि डफोर शंख कहता था केवल मांगिए मांगिए और मांगिए और मांगिए, और वो पीड़ित लोग मांगते जाते थे वो कहता था और मांगिए, वो फिर पीड़ित मांगते थे वो कहता था और मांगिए। उसी तरीके से प्रदेश की जो योगी सरकार है तानाशाही के साथ साथ डफोर शंख बन चुकी है। ये केवल देती है, ताल खड़खड़ाते हैं केवल गिद्ध चील ही गाते, अमी धार भी जम जाती धरती तक आते आते। हमने सुना था राजीव गांधी कहते थे कि हम दिल्ली से एक रुपया भेजते हैं तो जनता तक 15 पैसा पहुंचता है, लेकिन ये योगी सरकार जब लखनऊ से 1 रुपया भेजती है तो जनता तक 1 रुपया में 1 पैसा भी नहीं पहुंच पाता है। ये योगी सरकार डफोर शंख बन चुकी है, जनता इनसे आजिज आ चुकी है, इनके छल कपट परपंच को जनता समझ चुकी है। अब ये आने वाले नहीं हैं, ये हताश हैं, निराश हैं, ये महंगाई के मुद्दे पे कुछ नहीं कहेंगे। ये 14 रुपया सरसों का तेल था तो यही जनसंघ वाले कहते थे 14 रुपया करुआ तेल, देखो यह इंदिरा का खेल। और आज 14 नहीं बल्कि 200 रुपया केजी सरसों का तेल हो गया है। लेकिन अजय जी डीजल भी शतक मार दिया है। ठीक है बिल्कुल बिल्कुल, कीर्ति जी, कीर्ति जी मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ जी, कीर्ति जी डीजल भी शतक मार दिया है, पेट्रोल 111 जो शुभ अंक में हो गया है। अब मुझे तो डर है कि सिलेंडर 1011 न हो जाए, क्योंकि इनके लिए जब 1011 का सिलेंडर देंगे तब तो भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। ये केवल डफोर संघ जैसी बात करेंगे, जनता को कुछ देंगे नहीं। जनता इनसे आजी जा चुकी है, 2022 में इनकी विदाई तय है और भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार 2022 में सुभाषपा के नेतृत्व में बनने जा रही है। ओम प्रकाश रही बात बाकी सुन लीजिए, ओम प्रकाश राजभर के लिए चुनावी डगर कितनी कठिन होगी लेकिन इस पर स्पष्ट करिए ना। देखिए महंगाई का मुद्दा हमें पता है, हर चीज हमें पता है, आपकी सरकार आएगी तो बिल्कुल आप ये महंगाई को कम कर दीजिएगा, लेकिन चुनावी डगर कितनी कठिन होगी क्योंकि अब सपा की नजरें भी आपके वोट बैंक पर पड़ रही है। कीर्ति जी आपने गठबंधन के लिए बोला है सपा और बसपा से, लेकिन वो तो एक दूसरे के साथ आने नहीं वाले। बीजेपी की तानाशाह सरकार को उत्तर प्रदेश से उखाड़ फेंकने के लिए चाहे जो भी पार्टियां जो भी दल भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ आएंगे हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। हमारे नेता पहले भी कह चुके हैं और आज भी कह रहे हैं कि बाकी दलों में और सुभाषपा में बस इतना ही का अंतर है कि बाकी दल गरीब
शोषित मजलूम की बात करते हैं सत्ता के लिए, बल्कि जो हमारे नेता हैं, जो हमारे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हैं, वो मजलूमों, गरीबों, शोषितों, वंचितों के लिए सत्ता को, अकेले की सत्ता का परित्याग करते हैं। बस इतना ही काम, अकेले की राह कठिन हो रही है, गठबंधन जरूरी है। आपने संजय निषाद को भी खुला ऑफर दिया था, 5 साल 5 मुख्यमंत्री, लेकिन उन्होंने सीधे कहा कि हमारी तो जरूरतें बीजेपी से ही पूरी होगी। कीर्ति जी अभी वो गुमराह हो चुके हैं संजय निषाद जी की, मैं यहाँ चूंकि उपस्थित नहीं है इसलिए मैं उनकी चर्चा नहीं करूंगा, पर मैं ये बताना चाहूंगा कि ये बीजेपी की जो गवर्नमेंट है, ये चुनाव आते आते हिंदू और मुसलमान बन जाती है, सुनियोजित तरीके से आतंकवादी छोड़ना और पकड़ना शुरू कर देती है, और ये जाति धर्म के नाम पर पूरे प्रदेश को बांटना शुरू करती है, और ये दलित वंचितों को भरमा करके, फुसला करके उसका वोट लेना चाहती है, हिंदू मुसलमान में बांटना चाहती है। वो गुस्सा तो नहीं है कि आपको दरकिनार कर दिया गया भाजपा से, तो ये गुस्सा फूट रहा है? नहीं, दरकिनार नहीं किया गया, बल्कि हमारे नेता ने स्वयं सत्ता का परित्याग किया, कहा कि जिस सत्ता से हमारे गरीब, वंचित, मजलूम, आपको क्या लगता है सपा वंचित है, हम उस सत्ता का हिस्सेदारी नहीं बन सकते? आपको वो जगह मिल जाएगी जो भाजपा में नहीं मिली, और जिसकी आपको दरकिनार थी कि नहीं हमें ये मंत्री पद मिलेगा, मंत्री पद मिलना चाहिए, वो नहीं मिला, उसके बाद आपने उनसे अलग हुए, तो क्या सपा में जाके वो जरूरतें पूरी होंगी? जी पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मंत्री पद के लिए हमने सत्ता का परित्याग नहीं किया, बल्कि ओबीसी आरक्षण को लेकर के सत्ता का परित्याग हमने किया था। रही बात बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 27 सितंबर 1951 को, ठीक है, ओबीसी, विवेक जी, ओबीसी के आरक्षण को लेकर के ओबीसी कोटे का वर्गीकरण करेंगे, मंडल से कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दिया। गठबंधन के लिए तैयार है ना, ओबीसी कोटे का वर्गीकरण करेंगे आप विवेक जी? जी, ओबीसी कोटे का वर्गीकरण करेंगे आप? देखिए, क्योंकि मांग तो उनकी वो है, मंत्री पद नहीं चाहिए, लेकिन ओबीसी कोटे का वर्गीकरण हो जाए। दो दलों में गठबंधन होता है तो जो मुद्दे, जो विषय तय होते हैं, उन विषय और मुद्दों पे सहमति होती है, तभी दो दल हमेशा साथ आते हैं। अगर इनकी मांग, साफ कहना है ओबीसी कोटे पर वर्गीकरण, तो मेरी बात तो सुन लीजिए, वही तो मैं कह रहा हूं, मैं सुन रही हूं। अगर इनकी इस मांग का गठबंधन के आधार का आधार जो भाजपा के साथ था, अगर भाजपा पूरा करती तो मुझे लगता है ये समस्या ही नहीं होती। आप अपनी पार्टी का बताइए। और मैं अपनी पार्टी की बात जहां तक बता दूं, तो हमने जब जिस दल के साथ जो कमिटमेंट किया है, हमने हमेशा फुलफिल किया है। अगर आज हमारे और इनके दलों के, बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आज हमारे और इनके दलों के बीच, सुन लीजिए, हमारे और इनके दलों के बीच अगर ये व्यवस्था बनती है, अगर आपसी सहमति बनती है, तो बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? कैसे मुख्यमंत्री देंगे उन्हें पद? और अगर ये आपस में सहमति बनेगी, उन्होंने कहा 5 साल में 5 मुख्यमंत्री, देखिए हमारा और इनका वो तो खुला ऑफर दे रहे हैं, आप बताइए, आप चेंज करेंगे? मैं भी खुला कह रहा हूँ, जब हमारा इनका वरिष्ठ नेतृत्व बैठ करके आपस में सहमति जब गठबंधन करेगा, तो वो तो हम भी मन से खुली घोषणा करेंगे। इनकी बातों को लेकर जो आप 5 साल में 5 मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, क्या वो यहाँ पर आपकी तमन्ना पूरी होगी? कीर्ति जी, भागीदारी संकल्प मोर्चा खुले दिल से प्रदेश में सभी पार्टियां, सभी दलों का स्वागत करती है जो बीजेपी को हराने के लिए एकजुट होना चाहते हैं। और यानी कि मोटिव सिर्फ बीजेपी को हराना है, अपनी मांगों को नहीं, प्रवक्ता को बताना चाहूंगा, अपने मुद्दों को लेकर नहीं आगे बढ़ना है। जो जिला परिषद चुनाव की बात कही आपने, प्रमुख चुनाव की बात कही, तो साथी मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जब जब जो जिला परिषद चुनाव जीतता है, पिछले बार बहन मायावती जी जीती थी, वो सत्ता से चली गई, पिछले उसके पहले अखिलेश जी जीते थे, वो सत्ता से चले गए, अब आपका नंबर है, 2022 में हम सरकार बनाने वाले हैं और गरीब, शोषित, दलितों का उनका हक दिलाने वाले। ठीक है केसी जैन जी, मैं आपसे जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले दिलीप जी से एक कमेंट ले लूं। दिलीप जी, क्या लगता है आपको, जो लगातार ये बातें अब उत्तर प्रदेश के चुनाव में, हालांकि हर बार के चुनाव में देखा है कि जरूरी ये हो गया है कि एकजुट हो जाओ, लेकिन एजेंडा ये है कि भाजपा को उखाड़ फेंको, तो क्या ये एजेंडा कारगर इस बार साबित होने वाला है कि जिस तरह से सुभाषपा सपा और बसपा के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार है कि जो भी आए हम तैयार है, लेकिन खुद के वोट बैंक को कहां तक बचा पा रहे हैं ये? कीर्ति, जब भी गठबंधन होता है हर इलेक्शन में, तो जितनी भी पार्टियां गठबंधन में एक साथ आती हैं, उनका उद्देश्य तो अच्छा होता है, लेकिन अप्रोच गलत होती है। उनकी अप्रोच जनता को जीतने की नहीं होती है, उनकी अप्रोच भारतीय जनता पार्टी को हराने की होती है, और ये अप्रोच साफ साफ जाहिर करती है कि उद्देश्य राजनीतिक है, सामाजिक बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे कैसे, तब जब जनता आपको वोट करेगी। तो जनता आपको वोट कब करेगी, जब आप जनता को जीत पाएंगे। तो आपकी अप्रोच और आपका जो कनेक्शन होता है वो जनता से नहीं होता है, इसलिए आपका गठबंधन हर बार फेल हो जाता है।
ये मेरी तरफ से सलाह भी है, हो सकता है यहाँ बड़े परिपक्व लोग बैठे सलाह ना माने या मानने के बाद उसको एक्सेप्ट ना करें, बट मेरा ये कहना है कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं तो जनता को जीत लीजिए, भारतीय जनता पार्टी अपने आप हार जाएगी, आपको उसको हराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरी दूसरी बात कीर्ति, मैं ये कहना चाहता हूं कि भले ही जातीय समीकरण राजनीतिक उद्देश्य से बैठा ले जा रहे हूं, लेकिन आज की डेट में एक चीज अच्छी हो रही है इन सारे बंदर बांट से कि हर पार्टी हर जाति के लोगों को साधने की कोशिश कर रही है और ये कहीं ना कहीं संवैधानिक उद्देश्य को पूरा कर रहा है, क्योंकि पहले ये होता था कि भारतीय जनता पार्टी ठाकुर पंडित और सवर्णों की पार्टी है, ये मिथ टूटा, अब उसका सारा का सारा ध्यान जो है वो एससी एसटी ओबीसी पर चला गया। सपा को कहा जाता था कि एमवाई फैक्टर काम करता है, यादवों और मुसलमानों की पार्टी है, अब ये ब्राह्मण सम्मेलन दलित सम्मेलन ये बता रहा है कि इनका इनकी नजर भी सारे लोगों के ऊपर है। बसपा को कहा जाता था कि वो एससी एसटी ओबीसी की ही पार्टी है क्योंकि मायावती ने उनको एक नई जाति कह के इंगित किया था, वहां पर ब्राह्मण सम्मेलन होना बाकी जातियों पर नजर होने का मतलब कि अब उनकी अप्रोच भी हर व्यक्ति के लिए है। तो वास्तव में जो राजनीतिक दृष्टिकोण होना चाहिए वो यही होना चाहिए और आप सामाजिक दृष्टिकोण से हर व्यक्ति को दें और आपको वो डगर भी चुननी पड़ेगी जहां पर आपने कभी जाने की सोची नहीं, तो वो रास्ता भी चुनना। मैंने कहा ना कीर्ति जी, उद्देश्य अच्छा है लेकिन अप्रोच गलत है। आप किसी भी जाति के वोट बैंक को इसलिए नहीं साधना चाहते कि आपको उनको साधना चाहिए, आपकी सामाजिक और संवैधानिक जिम्मेदारी यही है कि आप हर वर्ग के हर जाति के हर संप्रदाय के आदमियों को बराबर का मौका और बराबर का सम्मान दें, लेकिन आप वो राजनीति की वजह से नहीं देते हैं और आप राजनीति की वजह से उसको देना शुरू कर रहे हैं। तो आपकी जो भी अप्रोच है वो राजनीतिक है और राजनीतिक अप्रोच जब भी होती है वो बहुत थोड़े उद्देश्यों को पूरा कर पाती है, बाकी जगह वो स्ट्रेटजी फेल हो जाती है। और मैं अभी से बता दे रहा हूं कि जो राजनीतिक पार्टियां अगर अपनी अप्रोच नहीं बदलेंगी तो 2022 में इन सब के मंसूबों पर पानी फिरने वाला है, कोई नहीं जीतेगा। अजय जी और विवेक जी, आपने सुन लिया होगा, अप्रोच बढ़ाने की जरूरत है आपको, सामाजिक समाज से जुड़ने की जरूरत है, ना कि बीजेपी को हटाना एजेंडा बनाने की ज्यादा आवश्यकता है, अप्रोच को बढ़ाइए। केसी जैन जी, आप कुछ जवाब दे रहे थे, अपनी बातों को पूरा करिए। जी जी जी, देखिए राजभर जी की पार्टी से जो हमारे साथी बैठे हैं उन्होंने कहा कि कम से कम कांग्रेस के समय में 1 रुपया जाता था तो 10 पैसा पहुंचता था, लेकिन भाजपा की सरकार में 1 रुपया जाता है तो कुछ नहीं 0 पहुंचता है। जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चीजों को बहुत ही साफ सुथरा और व्यवस्था को पारदर्शी बनाने का लगातार काम किया और ये जो व्यवस्था पारदर्शी व्यवस्था है ये आगे के लिए अनवरत चलती रहे, इसके लिए भी सरकार लगातार काम कर रही है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, आदरणीय यशवर्धन जी भी उस चीज का समर्थन करेंगे, जो कि पार्टी और पार्टी से मतलब नहीं होता, सरकारें एक सिस्टम बना जाती हैं और वो सिस्टम लंबे समय तक काम करता है। जैसे अभी महंगाई का मुद्दा उठाया राजभर जी की पार्टी के साथी ने, तो पेट्रोल डीजल के दामों को स्वतंत्र करने के लिए जो योजना बनाई वो केंद्र की कांग्रेस सरकार ने बनाई, उसका विरोध भी किया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस समय, लेकिन जब ये चीज बन गई वो कानून चल रही है जारी। नहीं, मैं एक व्यवस्था की बात कर रहा हूँ, तो अगर ये पारदर्शी व्यवस्था दे रहे हैं कि अगर 2000 रुपए अकाउंट में डाल रहे हैं, जीएसटी लागू हो सकती है तो व्यवस्था बदली भी जा सकती है। केसी जैन जी, बिल्कुल बिल्कुल, मेरी एक रुपया दीजिए तो पहुंचता नहीं, अगर 2000 रुपए तिमाही किसानों के खातों में जा रहा है तो सीधे आज खातों में पहुंच रहा है। चाहे ये बताइए केसी जैन जी, जरूरत नहीं थी पार्टी में इतनी ज्यादा कि अगर वो नाराज हुए तो उन्हें जाने दिया गया? नहीं नहीं, देखिए कीर्ति जी, कि जब व्यक्ति बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी होता है और जब सौदेबाजी होती है तो देखिए राजनीति सेवा भाव का क्षेत्र है और आपको अगर हम आपसे कोई चीज ले रहे हैं तो आपका उसका पारिश्रमिक जरूर दिया जाता है। अगर हमारा पार्टी में गठबंधन था, नहीं अगर पार्टी में गठबंधन था उनको पूरा अवसर दिया गया, उनको पूरा पार्टी में महत्व दिया गया, उनको पद भी दिया गया, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा जिस प्रकार से लगातार बढ़ रही थी और सौदेबाजी जिस प्रकार से वो कर रहे थे वो भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार नहीं थी, इसलिए उनको किराने का रास्ता दिखाया गया पार्टी की मांगे। संजय निषाद जी, ओम प्रकाश राजभर जी की महत्वाकांक्षाएं बढ़ती जा रही थी और अब संजय निषाद का क्या, उनकी महत्वाकांक्षाएं पार्टी पूरी करेंगी या नहीं? देखिए संजय निषाद जी का भी अगर वो
अगर वो सौदेबाजी करते हैं तो बिल्कुल साथ में टिक पाना बहुत मुश्किल होगा। हाँ, अगर वो साथ में आते हैं, चुनाव लड़ते हैं और उनको जिम्मेदारियां भी दी जाएंगी, उनको महत्व भी दिया जाएगा। लेकिन लेकिन अभी अभी जिस प्रकार से विवेक जी ने जो बात कही कि मुख्यमंत्री राजभर की पार्टी के लोग ही बन सकते हैं, आप बहन मायावती जी के साथ गठबंधन नहीं निभा पाए, आप कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं निभा पाए, कांग्रेस ने कहा आप गद्दार हैं, कई दलों के साथ बहन जी ने कहा आप गद्दार हैं, देश की सबसे बड़ी देशद्रोही पार्टी आतंकवादियों के साथ आप तो कश्मीर चले गए अपना वहां पे वर्चस्व कायम करने, राहुल गांधी आपने तो आतंकवादी को बकायदा जम्मू में टिकट भी दे दिया था 2014 में, याद होगा वो तो आतंकवादी था बकायदा। अब बोलिए, याद दिलाऊं, बहुत अच्छी बात कही आप, प्रेम शुक्ला जी के रास्ते में ना चलिए, थोड़ी मर्यादित डिबेट किया कीजिए। ठीक है, कैसी जैसी मैं आपकी 11,027 ओबीसी बच्चों को मेडिकल के कोटे में नौकरी नहीं मिली, केंद्र सरकार से शिकायत की है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने। मुद्दे पे आइए, ये जो आपने कालिदास मार्ग पे बोर्ड लगा रखे हैं ना, बड़े बड़े फ्री राशन फ्री वैक्सीन, इस देश के पैसे से लिया है वो, इस देश के पीएम केयर में जो पैसा गया है, इस देश का जो जनता टैक्स दे रही है उस पैसे से इस जनता को मिल रहा है। आप ये मत बताइए फ्री फ्री नहीं देती है कुछ भी भाजपा, भाजपा तो केवल फ्री में लाशें देती है और लाशें दिखाती है। आपने तो शमशान ग्राम में लकड़ियों तक ब्लैक में बिकवा दी, क्या बात करेंगे आप? चलिए ठीक है, आइए मुद्दों पे बात कर लीजिए। प्लीज 11,027 ओबीसी, 11,027 ओबीसी को 3 साल के मेडिकल एडमिशन में 27% उनका आरक्षण नहीं दिया गया। प्लीज ठीक है अजय जी, आपका क्या कहना है कि लगातार हमने देखा और सुना भी, जिस तरह से कैसे जैन जी मैं आप पर आऊंगी, महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई थी ओम प्रकाश राजभर जी की और वो महत्वाकांक्षाएं किस, ठीक है विवेक जी और कैसे जैन जी प्लीज। कीर्ति जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि हम किसी के बीच में बोलते नहीं, और हमारे अपने साथियों से भी आग्रह है कि हमारे बीच में ना बोला करें जी। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश में सच को सच और झूठ को झूठ कहने की अगर क्षमता किसी नेता में है तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हैं, जो सच को सच कहने की ताकत रखते हैं। बाकी बीजेपी को नेता नहीं चाहिए, उन्हें पिछलग्गू चाहिए, संजय निषाद जैसे, केशव प्रसाद मौर्य जैसे, उनके नाम पे चुनाव लड़के मुख्यमंत्री दूसरे को बना दें और कुछ ना बोलें, ये ऐसे इनको पिछलग्गू लोग चाहिए, पिछलग्गू नेता चाहिए, इन्हें वो नेता नहीं चाहिए जो इनके सत्ता पे सवाल उठा सके। और हमारे तो नेता संजय निषाद जी को दे रहे थे आ जाने के लिए जी, हमारे हम केशव प्रसाद मौर्य जी को भी ऑफर दे रहे थे, आप हमारे यहाँ तरफ आइए, हम आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे, हम बीजेपी जैसे धोखाबाजी नहीं करेंगे, आपके नाम पे, आपके नाम पे हम वोट मांगे और मुख्यमंत्री किसी और को बना, ऐसा संभव नहीं है। सुन लीजिए फिर आप बोलिएगा, सुन लीजिए। रही बात महत्वाकांक्षा की, तो महत्वाकांक्षा उसको कहते हैं जो मंत्री पद मांगता है, मंत्री पद का परित्याग करना महत्वाकांक्षा नहीं कहा जाता है केसी जैन जी, जिसने मंत्री पद का परित्याग कर दिया वो क्या महत्वाकांक्षा महत्वाकांक्षी व्यक्ति होगा? नहीं, उसने गरीबों के आवाज के लिए, मजलूमों के आवाज के लिए, शोषितों के आवाज के लिए, वंचितों के आवाज के लिए, ओम प्रकाश राजभर बदनाम हुआ शोषितों तेरे लिए, वंचितों तेरे लिए, गरीबों तेरे लिए। यहां मंत्री का भाई शिक्षक गरीब कोटे में शिक्षक बनता है और उत्तर प्रदेश का नौजवान बेरोजगार हो जाता है, क्या यही बीजेपी गवर्नमेंट यही बताना चाहती है गरीबों को, शोषितों को, वंचितों को? हम मांगे आपकी पूरी तरह से समझ रहे हैं, लेकिन वो मांगे आपकी कौन सी जगह पर पूरी होंगी? क्या वो अकेले चलकर आपको लग रहा है मांगे पूरी होंगी, या बड़े चेहरे आप केशव प्रसाद मौर्य को भी आपने ऑफर दिया, आपने बोला हमारे साथ आ जाइए, संजय निषाद को भी आप ऑफर दे रहे हैं, सपा को भी दे रहे हैं, बसपा को भी दे रहे हैं, तो सबसे गठबंधन करेंगे? कीर्ति जी, हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि ऊंची दुकान फीकी पकवान, बड़े दलों के पास कोई वोट रह नहीं गया है, सभी जातियों ने अपना अपना प्रतिनिधि तय किया है और भागीदारी संकल्प मोर्चा में सभी जातियों का प्रतिनिधित्व दिया गया है, जो कि पूरे प्रदेश की जनता इन भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ 2022 में सुभाषपा के नेतृत्व में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। प्रदेश की जनता को 5 साल तक निःशुल्क बिजली, घरेलू बिजली का बिल माफ करने जा रहे हैं, 5 साल तक घरेलू बिजली निःशुल्क देंगे, सबको समान शिक्षा देंगे, सबको फ्री चिकित्सा देंगे और मास्टर डिग्री तक शिक्षा हम फ्री करेंगे। ठीक है, बड़ी बातें आपने कही हैं, बिजली दरें माफ करेंगे और तमाम चीजें जो आपने दावे किए हैं, वो देखना अहम होगा कि जनता इन लुभावनों वादों से कितना ज्यादा आपकी ओर अग्रसर होती है। लेकिन विवेक जी, जो उन्होंने कहा कि बड़े दलों के पास खुद का कोई वोट नहीं रह गया है,
ऊंची दुकान फीके पकवान, लेकिन आपका जो फुलन देवी आयोजन हुआ, भाईचारा सम्मेलन कर रहे हैं, ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं, और कौन कौन से सम्मेलन होने वाले हैं? देखिए अभी तो मैं इनके वक्तव्य पे व्यक्तिगत रूप से कोई सवाल नहीं उठाऊंगा, क्योंकि देखिए ये राजनीतिक गठबंधन पे विचार हो रहा है, राजनीतिक परिचर्चाओं में देखिए जुमलेबाजी तो कई तरह की हुई, 15 लाख भी मिल रहे थे, है ना, और सुशासन भी आ रहा था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी हो रहा था। सुन तो लीजिए अब आप, नितिन गडकरी जी 18 मई 2021 को एक भाषण देते हैं जिसको मनसुख मंडाविया, जो अब स्वास्थ्य मंत्री है, वो भी सुन रहे थे, और उन्होंने उसमें क्या कहा था, ऑक्सीजन न होने के कारण लोगों की मृत्यु हुई, अच्छा नहीं है। ये नितिन गडकरी जी के स्टेटमेंट है, मेरे पास है, आप चाहिए मैं भेज देता हूं आपको वीडियो बाकायदा है। और उसी सरकार के जिम्मेदार लोग क्या कहते हैं, इस देश में ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं, इस देश की सबसे बड़ी झूठ परोसने वाली अगर कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी, जो कि स्वयं शाश्वत सत्य स्वयं को साबित कर चुकी है। आप इतने असंवेदनशील लोग हैं कि आप केवल और केवल सरकार को बचाए रखने के लिए राजनीति के निकृष्ट स्तर तक गिरने को तैयार हैं। इन्होंने क्या कहा था, जनाधार का सम्मान करना चाहिए। जिस प्रकार से चीरहरण हुए और जिस तरह से ये जनाधार का सम्मान करने की बात करते हैं, बिल्कुल अगर इनकी नजर में वो सम्मान है तो मुझे इनके परिपक्वता पे, राजनीतिक परिपक्वता पे संदेह है। बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कहता हूं, मुझे तो इनकी राजनीतिक परिपक्वता पे संदेह है। बताइए ना, भाईचारा सम्मेलन, फुलन देवी सम्मेलन, नहीं देखिए एक बात बताइए, मैं तो हमेशा कहता हूं इस बात को बड़े जिम्मेदारी के साथ, की तो अच्छी बात है ना, अगर राजनीतिक दल चुनाव के पहले हर समाज की समस्याओं को, उनके मुद्दों को जान जाए, और अगर उनको नहीं, सुन लीजिए, क्योंकि देखिए अब देखिए शासन में तो 4 साल से 5 साल से ये बैठे हैं, करना तो इनको था, जो इन्होंने नहीं किया उससे जो पीड़ित है वो कहां जाएंगे, अब वो दूसरे राजनीतिक दलों को विकल्प के रूप में नहीं देखेंगे तो वो कहां जाएंगे, इनकी तरह WHO तक पहुंच सबकी नहीं है ना कीर्ति जी, पिछड़ा वर्ग भाई इनकी तरह सब लोग WHO नहीं जा सकते, यूनेस्को से नहीं ला सकते सर्टिफिकेट। बड़ा चेहरा कौन सा, देखिए पिछड़ा वर्ग का हर व्यक्ति, पिछड़ा वर्ग का हर वोटर, पिछड़ा वर्ग का हर नेता, पिछड़ा वर्ग का हर समाज अपने आप में बड़ा चेहरा होता है। मैं आपको बता दे रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी, इस देश का हर नागरिक अपने घर का राजा होता है, लेकिन उस राजा आप मुझे इनकी राजनीतिक वक्तव्यों में नहीं लपेट पाएंगी। मैं बता रहा हूँ हर व्यक्ति, हर नागरिक अपने घर का राजा होता है। कैसी बातें कर रहे हैं, देखिए हर कोई इलेक्शन में खड़ा हो रहा है, हर किसी से आप चुनाव लड़वा रहे हैं, लेकिन इलेक्शन पे खड़ा होने वालों को पिछड़ा वर्ग आपने बोला, इलेक्शन में खड़ा होने वालों को जीतने का मौका कौन देता है, आपकी पार्टी में पिछड़ा वर्ग का कोई बड़ा चेहरा नहीं है, किसके पास, आपकी पार्टी में हमें पिछड़ा वर्ग का बड़ा चेहरा देखने की आवश्यकता क्या है, मैं तो कह रहा हूँ ना, हमें पिछड़ा वर्ग का बड़ा चेहरा देखने की आवश्यकता क्या, इस देश का, इस प्रदेश का विकास जो है वो हर वर्ग को प्रभावित करता है कीर्ति। कैसे विवेक जी कैसी बातें कर रहे हैं, पिछड़ा वर्ग का बड़ा कोई नेतृत्व नहीं है आपके पार्टी में, नहीं नेतृत्व तो नहीं है, देखिए ये तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन अभी रुक जाइए कुछ समय और जाने दीजिए, आने दीजिए बातें, अभी तो इनके भी, अभी तो इनके भी खुलेंगे पत्ते, खुलने दीजिए, उनके पत्ते तो खुल रहे हैं, उनके पत्ते, हमारे यहाँ पिछड़ा वर्ग, हमारे यहाँ पिछड़ा वर्ग, अगला वर्ग, हर चेहरा पूरा जग जाहिर है, और उन चेहरों से, उन चेहरों के, सुन लीजिए, उन चेहरों के घरों पे बुलडोजर किस तरह चुनाव में चले वो आपने देखा, अगर जाति समीकरण से दिक्कत नहीं थी तो चुनाव में बुलडोजर क्यों चले हमारे लोगों के घरों पे, जातीय समीकरण बैठाने के लिए एक बड़ा चेहरा भी तो चाहिए, अरे अपराधी नहीं, 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 बुलडोजर चले भाई, नहीं, नहीं, अरे केसी जैन जी सुन लीजिए, केसी जैन जी सुन लीजिए, आपका मुख्यमंत्री स्वयं अपराधी रहा है, ये सब बातें मत करिए, आप डिबेट की मर्यादा को देखिए डिरेल करते हैं, सुन लीजिए, अगर आप आरोप प्रत्यारोप खेलना चाहते हैं तो मैं उसके लिए स्वतंत्र रूप से खेलूंगा, लेकिन देखिए डिबेट का समय निकल जाएगा, मुद्दों की बात करिए ना, आप बताइए ना, आज क्यों टीन शेड लग गई, आज क्यों टीन शेड लग गई, जवाब दीजिए, आप तो ब्राह्मणों को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे ना, आप तो पिछड़ा वर्ग को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे ना, आप तो SC ST से मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे ना, ये तो मानते हैं, बताइए ना, आप बना रहे हैं क्या, प्रधानमंत्री दिया, किसने दिया, किसने दिया, वो देश की जनता ने दिया, और रही बात जिस तरह से प्रधानमंत्री जी की आपने छवि बनाई वो भी देखा, हमारे देश का पहला प्रधानमंत्री जो झूठ बोलता है, हाँ हमारे देश का पहला प्रधानमंत्री जो झूठ बोलता है, और क्या चाहिए, विवेक जी हमारे सवाल का जवाब दीजिए, भारतीय जनता पार्टी में अब आपके मुख्य, आपके प्रधानमंत्री का बेटा ही नहीं, आपके मुख्यमंत्री का बेटा ही नहीं है, परिवार ही नहीं तो हम क्या करें, आपके लोगों के परिवार ही नहीं तो हम क्या करें, आपके प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का परिवार ही नहीं तो हम क्या करें, आप बताइए ना, आप तो वो गैर जिम्मेदार लोग हैं जो लाशों पे राजनीति करते हैं, कहते हैं कि ऑक्सीजन से कोई मरा नहीं,
आप बोल रहे थे माँ बेटे के मुंह में ऑक्सीजन दे रही थी, आपके हिसाब से कोई मरा ही नहीं। अरे बताइए आप बताइए, आपके मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का कोई बेटा सेना में है क्या? अरे गृह मंत्री का, अमित शाह जी का बेटा सेना में है क्या? बताइए ना, आपके शीर्ष नेतृत्व का कौन सा बेटा है सेना में? बताइए ना, अरे बताइए, मोदी जी के सुपुत्र कहाँ पढ़े? बताइए ना, हमारे अखिलेश यादव जी तो सैनिक स्कूल से पढ़े हैं, बताइए ना। अरे आइए, जब घरेलू बातों के बारे में पता ना हो, जिसको पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन करने ना आता हो, एक आदर्श परिवार की स्थापना आप नहीं कर पाए, पुलिस के हजारों जवान, हजारों जवानों की लाशों के ऊपर राजनीति करते हैं आप, 2800 ग्रेड पैक की मांग चल रही है 3 दिन से, आप लोगों ने सुन लेने की जरूरत नहीं समझी। आपके जिम्मेदार पद पर बैठा अधिकारी झूठ बोलता है सबके सामने और सीबीआई आके उसको झुठलाती है, आप क्या बात करेंगे? 5 साल में आपने ब्राह्मणों को कौन सा सम्मान दिया? अरे 5 साल में आपने ब्राह्मणों का केवल नरसंहार किया है, 7,000 से अधिक ब्राह्मण मारे आपने, क्या बात करेंगे आप? कीर्ति जी लास्ट हम यही अजय जी कह रही हूँ, या तो ये डेकोरम मेंटेन कर ले डिबेट का, या फिर आप लोग करा लीजिए, ये सत्ता में इसका मतलब ये नहीं कि दबाएंगे, तो ये आवाज दबाएंगे इनकी, कैसी जानी मैं आपके पास बिल्कुल बिल्कुल डाउन करा दूंगी फेडर। रोजा मान लीजिए कि मुसलमानों से आप नफरत करते हैं, रोजा इख्तियार का नाम लेते हैं, मान लीजिए आप, मान लीजिए कि मुसलमानों से आप नफरत करते हैं, आपके वक्तव्य सुन रहे हैं सभी लोग राष्ट्रीय पटल पे, प्लीज मैं आखिरी बार ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्रेम शुक्ला मत बनिएगा यहाँ बैठ करके, मेंटेन करिए डिबेट का प्लीज। ठीक है दिलीप यशवर्धन जी, मैं आप पर आती हूँ, आपसे पूछना चाहूंगी, जिस तरह से बड़ा चेहरे की मैंने बात करी, हालांकि विवेक जी ने बताया नहीं क्योंकि हमने लगातार देखा है कि बेनी प्रसाद मौर्य जो थे जब मुलायम सिंह जी की सरकार थी, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर भी रहे नरेश उत्तम जी, तो जो कुर्मी समाज से थे 5 साल वो भी रहे हैं, लेकिन इस वक्त कोई पिछड़ा वर्ग का बड़ा चेहरा नहीं है तो लाने की जरूरत है। कीर्ति जी, राजनीतिक वादे चाहे जितने ज्यादा हो जाएं, चाहे जितने दावे गठबंधन को लेकर कर दिए जाएं, एक पार्टी दूसरे पार्टी को साथ लाने के लिए लुभाने के जो भी कह दे, लेकिन ये तय है कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के अलावा कोई नहीं बनेगा, बसपा की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री मायावती जी के अलावा कोई नहीं बनेगा, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो योगी जी या जो भी इनको बनाना चाहेंगे ये बनाएंगे। जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनमें मुख्यमंत्री का चेहरा फिक्स है, उसके अलावा दूसरा कोई मुख्यमंत्री बनेगा नहीं चाहे जितने वादे कर लिए जाएं। तो ये कोई पार्टी किसी पिछड़ा वर्ग को आगे ले आए, और भारतीय जनता पार्टी हो सकता है जो पिछड़ा वर्ग नाराज है उसको लुभाने के लिए जिस तरीके से अभी केशव मौर्य जी की मान मनोबल करी गई है, उस मान मनोबल के बाद केशव मौर्य जी मीडिया में बड़ा बड़ा बयान दे रहे हैं, तो हो सकता है उनको फिर ये उम्मीद जागी होगी जैसे उनको 2017 में मुख्यमंत्री बनाने का सपना दिखाया गया था जिसकी वजह से उनकी एनर्जी एक्टिवेट हो गई थी, हो सकता है 2022 में फिर उनको मुख्यमंत्री बनाने का एक लॉलीपॉप दिया गया हो, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि केशव मौर्य जी को 2022 में भी मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी योगी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है, योगी जी के दावे को, योगी जी के मॉडल को एस्टेब्लिश करना चाह रही है, इतना सारा प्रोपेगेंडा करने के बाद ये केशव मौर्य को मुख्यमंत्री बनाएंगे कैसे, और अगर बनाएंगे तो आपस में ही। लेकिन दिलीप जी क्या लगता है आपको, जो ये कवायद पूरी चल रही है राजनीतिक दलों की, तमाम बाहर से बिहार से भी अब सैनी जी आ रहे हैं, वो भी अब उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने वाले हैं, तो क्या इन लोग की जो कवायद चल रही है राजनीतिक दलों की, बीजेपी का कहीं कुछ वोट बैंक खींच पाएंगे ये? कीर्ति जी, आप हिस्ट्री उठा के देखिए इस देश के राजनीतिक इतिहास की, चाहे जितनी कवायद हो जाए लेकिन जो व्यक्ति जो पार्टी सीट पर है उसका जो नेता शीर्षस्थ नेता है हमेशा लीडरशिप उसी के पास रहती है, थोड़े दिन के लिए घूम के चाहे भले कहीं चली जाए लेकिन वो फिर टूट करके वापस वहीं आ जाती है, चाहे आप कांग्रेस को देख लीजिए, और समाज अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, यही 4 पार्टियां हैं जो लड़ाई मैदान में है, जिसमें से कांग्रेस का कहीं कोई स्तर नहीं है, वो 2022 में कभी नहीं आएगी, कोई मतलब भी नहीं बनता है, और वो गठबंधन भी करेगी तो आप देखिए राष्ट्रीय पार्टी होने के बावजूद भी उसका गठबंधन बहुत छोटी छोटी पार्टियों से होता है, अगर उत्तर प्रदेश में वो गठबंधन करेगी तो समाजवादी पार्टी से करेगी, समाजवादी पार्टी से करेगी तो मुख्यमंत्री राहुल गांधी या प्रियंका गांधी को नहीं बनने दिया जाएगा, अखिलेश जी को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, या फिर वही होगा कि बंदर बांट होगी कि 2.5 साल हम बनेंगे 2.5 साल आप बनेंगे, लेकिन उसको जनता एक्सेप्ट नहीं करेगी, आज की डेट में जनता की भी टेंडेंसी बदल गई है, वो भी 5 साल की परमानेंट सरकार चाहती है,
वो जिसको भी गद्दी, आप पिछला ट्रेंड देखिए, वो जिसको भी गद्दी पे बैठा रही है वो फुल मेजोरिटी से बैठा रही है। और जनता इतनी ज्यादा भ्रमित हो जाती है इन जातिगत आंकड़ों से, क्योंकि ये पंडित को खींचेंगे, वो दलित को खींचेंगे, वो मुसलमान को निभाएंगे, वो मुसलमानों का रहनुमा बन जाएंगे, वो अपने आप को दलितों का नेता कह देंगे, राजभर जी कह देंगे कि हम सबके रहनुमा है, हम आएंगे तो फ्री बिजली दे देंगे, वो आएंगे तो फिर राशन दे देंगे, वो आएंगे फ्री लैपटॉप बांट देंगे, वो फ्री साइकिल दे देंगे, ये सबके खाते में 2-2 हजार रुपया दे देंगे, सबको फ्री दे देंगे, सबको फ्री दे दीजिए, लेकिन जो इस देश का टैक्स पेयर है 3% उसकी गर्दन घोट दीजिए। हमारे जैसे मिडिल क्लास आदमी जो टैक्स देते हैं उनको संसारी सरकारी संसाधनों का कोई लाभ नहीं मिलता है, और आप लोग अपने राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए दुनिया भर की फ्री चीजें बांट देते हैं, अनाउंस कर देते हैं। हम आपका भी बिजली बिल माफ करेंगे 5 साल घरेलू बिजली बिल, तो आप कहां से माफ करेंगे राजभर जी? आज अपने आप अपनी पार्टी के फंड से माफ करेंगे क्या? अरे मेरे टैक्स में तो पैसा है, पैसे से जो आपका पैसा, जो आपका पैसा गलत जगह जाता है, गलत जगह नहीं जाने देंगे, और वो बिजली का भी माफ करेंगे। आप ये बात किसी अनपढ़ आदमी को समझाइएगा, कोई सरकार, मैं कोई सरकार की बात कर रहा हूँ, आप ही नहीं, जितनी सरकारें हैं, जितनी पार्टियां हैं, कोई सरकार जनता को कभी कुछ फ्री नहीं देती है, टैक्स पेयर के पैसे से सरकार के खजाने में पैसा जाता है, आप कहां से फ्री दे देते हैं? आप अपनी पार्टी को पैसे से, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे आपकी पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कोई पार्टी किसी को पैसा फ्री नहीं देती है, हमारा पैसा है, हमारे टैक्स का पैसा है, जो आप फ्री बांट करके अपने राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। आपका कोई पैसा नहीं है, किसी नेता का पैसा नहीं है, नेता वैसे टैक्स नहीं देता है, नेता वैसे टैक्स नहीं देता है, ऊपर से 2 नंबर का पैसा और कमाता है। जी, जी। हम भर भर के पैसा कमाते हैं, हम अपने कमाए 30% आपको देते हैं, हम 100 रुपया मर के कमाए 30 रुपया आपको दे दें, वो 30 रुपये को आप लोगों में बांट दें और आप राजगद्दी पे बैठ जाएं, और यहाँ के भाई लूटे हमको बताएं कि हमारा बिजली का बिल माफ कर देंगे। हम टैक्स पेयर को स्पेशल से आप जनता पे एहसान नहीं कर रहे हैं, अगर आप कोई फ्री दे रहे तो जनता पे एहसान नहीं कर रहे हैं आप। ये नहीं एहसान नहीं, हम जनता को सुविधा देंगे, उनके सेवक हैं, उनका सेवा कोई सुविधा नहीं देंगे। अरे साहब सुविधा देना है तो बिजली सस्ती करिए ना, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाइए ना, हम सुविधा दे रहे हैं, आप सस्ती की बात कर रहे हैं, हम आपको अंगूर दे रहे हैं, आप गजरा मांग रहे हैं हमसे, हम बिजली फ्री दे रहे हैं जनता के पैसे से, बिजली हम फ्री दे रहे हैं। आप अंगूर देंगे पहले अपना पेट भर लीजिए। जी जी जी, आप अंगूर देंगे, हम कहां से देंगे? हमारे खेती, हमारी जमीन, हमारी बीज, हमारा खाद, और हम ही अंगूर देंगे। आप हम मेहनत करके सरकार का खजाना हम भरे, आप अंगूर देने की बात बता रहे हैं, कैसे बच्चों जैसी बात कर रहे हैं? दिलीप जी किसी और को समझाइएगा जाकर के। टैक्स पेयर्स का ही आप पैसा घुमा फिरा के उनकी अच्छाई काम के लिए जो आप बताते हैं उन्हीं को देते, तो कान आप लोग चाहे सीधे खुले चाहे उल्टा पकड़े वो तो सामने आ ही जाता है कि हमारे पैसा वहीं पे घूम के आता है। आपकी बात हम सुन लें, ठीक है अजय जी, वहाँ पर आऊंगी। एक सेकंड, नहीं है आप पढ़े लिखे हैं और आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, मैं ये समझ करके आपसे मैं बात कर रहा हूँ, आप पहली बात तो इसको आपने ध्यान में रख लीजिए। रही बात हमारी, तो हमने बताया कि एक जाके पाँव न फटी भी आई, सोका जाने पीर पर आई, एक गरीब परिवार का बेटा ही वो गरीब की हालत को जानता है। राजभर जी गरीबों के दबे कुचले लोगों को देख करके आए, उस घर से निकल करके आए हैं, ठीक है, और इसलिए वो गरीबों की आवाज बने हुए हैं। जी दिलीप जी, अजय जी, भिखारी को भीख दे देना भिखारी का दर्द समझना नहीं होता है, भिखारी को स्वावलंबी बना दीजिए, ठीक है, लेकिन भिखारी को स्वावलंबी बना दीजिए तो मैं मान लूंगा आपको गरीबों का दर्द है। गरीबों को गरीब बनाए रखना ये हमदर्दी नहीं है, ये राजनीतिक उद्देश्य है। आज इस देश में गरीबों को ऊपर उठाइए ना, जी जी, स्वावलंबी बनाइए ना, रोजगार की योजना लाइए ना, मुद्दे खत्म हो जाएंगे, ये मुद्दे खत्म हो जाएंगे। अरे 70 साल से हुए, अगले 5 साल आप करेंगे? जी नहीं, हम नहीं करेंगे, हम अगली बार जो पार्टी आएगी वो 5 साल और जोड़ देगी, उसके अगले साल जो पार्टी आएगी वो 5 साल और जोड़ देगी। जनता क्या हम सिर्फ 5-5 साल के टेन्योर को जोड़ते और सुनते रहे? मेरे पास समय कमी है दिलीप जी, लेकिन ये लगातार देखा है कि जो लगातार पार्टियां बात करती है कि ब्राह्मणों का वोट्स नहीं मिलेगा, इस पर भाजपा को नाराजगी है, नाराजगी है, लेकिन जब चुनाव आते हैं उसके बाद जब वोटिंग की गिनती होती है ब्राह्मण वोट उधर ही जाते हैं, तो इस बार भी ये आशंका लगाई जा सकती है कि हाँ ब्राह्मण वोट उधर ही जाने वाले, जितना भी चाहे कह लें कि हाँ नाराजगी है। देश में 135 करोड़ जनता रहती, उस जनता में 4.5% ब्राह्मण है, ठीक, और अलग अलग जाति के लोग हैं। मैं ये कहता हूं कि राजनीति का असली उद्देश्य होता है समाज को ध्यान देना, आप 135 करोड़ जनता की बात क्यों नहीं करते हैं? आप क्यों किसी जाति की बात करते हैं?
आज मुझे जो बेसिक सुविधाएं हैं वो कोई सरकार दे दे, कुर्सी पर दलित बैठे, ठाकुर बैठे, पंडित बैठे, मेरी बला से मुझे मेरी सुविधाएं मिल रही हैं, मुझे सरकारी संसाधनों का लाभ मिल रहा है, मुझे मेरे टैक्सेस की वैल्यू मिल रही है, कुर्सी पे कोई बैठ जाए मुझे नहीं मतलब। और यही बात हर जनता, हर जनता यही चाहती है। राजा किस जाति का है इससे मतलब नहीं है, राजा अगर राजा का धर्म निभा रहा है ये महत्वपूर्ण है। लेकिन आज का सत्ता का धर्म ये है कि अगर हमारी कुर्सी हुई तो हम अपनी जाति को पहले आगे पहुंचाए, उसके बाद देखते हैं कि विकास का जो मुद्दा होता है, विकास की जो बातें होती है वो किस कदर तक पूरी करेंगे, क्योंकि बिजली फ्री देने की बात हो रही है, शिक्षा में बढ़ा चढ़ा कर बातें होती है, लेकिन उसके बाद जब चुनाव खत्म होते हैं और जब सत्ता में आते हैं लोग तो ये बातें कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है। विवेक जी आपका क्या कहना है, बातें विकास की हो रही है लेकिन सम्मेलन हो रहा है भाईचारे का, फुलन देवी आयोजन हो रहा है, चाहे आप कह लीजिए कि आप जाटा वोट खींचने की कोशिश कर रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, लगातार ये देखने को मिल रहा है। देखिए कीर्ति, जब बात मुद्दों की होगी ना तो मैं तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं तो दिलीप भैया को सुनता हूँ और सीखता हूँ इनसे, और इनकी बातों को मैं कोशिश करता हूँ आगे तक ले जाने की, और उम्मीद करता हूँ कि दिलीप जी के कहे सारे वक्तव्यों को सुनने के बाद केसी जी शाम तक कालिदास मार्ग पर जो बोर्ड लगे हैं फ्री राशन फ्री वैक्सीन वाले वो हटवा देंगे, और भाजपा थोड़ी शर्मिंदगी से इस पर शिष्टाचार के साथ माफ़ी मांग लेगी क्योंकि ये जनता का पैसा है। दूसरी बात, सम्मेलन देखिए, सम्मेलनों का आयोजन जनता के मुद्दों को भी जानने के लिए हुआ है। दूसरी बात, मैं तो कह रहा हूं हम तो चलिए विकास के मुद्दे पे बात करने के लिए तैयार है, केसी जैन जी अगर चाहें किसी दिन एक दिन डिबेट रख लीजिए, भैया भी बैठ लेंगे, दिलीप भैया भी, विकास के मुद्दे पे बात हो जाए। मैं तो पूछ रहा हूं ना, चार दिन से पांच दिन से 2800 ग्रेड पे ट्रेंड कर रहा है, आप 100 रुपए का पेट्रोल बेच रहे हैं, 50 रुपए शराब पे बढ़ा के 50 रुपए, 100 रुपए शराब पे बढ़ा के 50 रुपए तेल पे कम क्यों नहीं कर देते? नशा मुक्ति भी तो चाहिए ना। आप तो धर्म की बात करते हैं, आप तो आस्था की बात करते हैं, शराब के सेस बढ़ा के तेल के क्यों नहीं कम कर देते? लेकिन बात है करने की इच्छा। मोटा पैसा जो, मोटा चंदा जो आता है वो ऐसे सिंडिकेट से आता है। मैं तो कह रहा हूं कि आप एक दिन विकास पे बैठ के बात कर लीजिए, हम विकास के मुद्दों पे खुले स्वतंत्र रूप से बात करने के लिए तैयार हैं। जी कैसी जान जी, आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, मैं ज्ञान नहीं, मैं सुझाव दे रहा हूं क्योंकि मैं भी प्रभावित हो रहा हूं इस मुद्दे से। पिछले साल सरकार में रहे हैं ये भूल जाते हैं, इसलिए ज्ञान बांटते हैं। पेट्रोल डीजल के दाम कम करने के लिए आपने कब कब वैट कम कर दिया? अरे तो आप 100 रुपए बेच रहे हैं, हमने कब 100 रुपए तेल बेचा भाई? दूसरी बात, आप 100 रुपए जिस वैक्सीन को लेकर के, जिस वैक्सीन को लेकर के, नहीं नहीं बोर्ड हटवा लीजिए ना शाम तक, अब तो दिलीप भैया ने बता दिया ना, अब तो दिलीप भैया की बात तो मानेंगे, चलिए हम पक्ष है। अरे बोर्ड हटवा लीजिए फ्री वाले, आपको इस बात का है, चेहरों के बोर्ड तो हटवा लीजिए, उसमें फ्री हटवा दीजिए। अच्छा चलिए फ्री हटवा दीजिए, विवेक जी और किसी जैन जी लास्ट कमेंट लेने दीजिए। अजय जी, सपा बसपा तो साथ में आएगी नहीं, तो 350 प्लस सीटें कैसे जाएंगी आपकी? कीर्ति जी, वर्तमान तानाशाह सरकार से प्रदेश की जनता आजीज आ चुकी है, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इनकी तानाशाही, ये सब देख करके प्रदेश की जनता आजीज आ चुकी है। और ये जनता समझ रही है, 2022 में भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार हम बनाने जा रहे हैं, जो कि जनता को 5 साल तक बिजली फ्री देंगे, सबको एक समान शिक्षा देंगे, सबका देंगे, बदल अच्छा स्वास्थ्य देंगे, ये और बेरोजगारों को रोजगार देंगे, मुख्यमंत्री भी देखने को मिलेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, अलग अलग मुख्यमंत्री, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का प्राइम डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तो जिस तरह से राजनीतिक दलों ने अपने नए नई रणनीति और पैतरे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि इस बार की चुनावी डगर जो है वो कुछ कठिन है, जिसके चलते ही वो तमाम तरह के सम्मेलन के जरिए अन्य दलों के वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि साफ तौर पर सुभाषपा का कहना है कि 5 मुख्यमंत्री इस बार 5 साल में नजर आएंगे, तो क्या जनता इस बार 5 मुख्यमंत्रियों के साथ जाएगी या सपा के साथ वो इस बार नई चुनावी रणनीति को पसंद करेगी, या एक बार फिर से भाजपा को ही वोट देकर वो सत्ता में विराजमान करवाएगी आगामी चुनाव में, ये तो पता चलेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव दिलचस्प होते हैं और देखना अहम होगा कि इस बार के चुनाव में कौन कौन सी वो नई चुनावी सरगर्मियां नजर आती हैं और कौन कौन से नए नए पैतरे इस्तेमाल करके विपक्षी दल भाजपा को सत्ता से बाहर करने की कोशिश करते हैं। फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए यहाँ प्राइम डिबेट।